सो अडल्टहुड जो ह्यूमन डेवलपमेंट की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज है, इंसान के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ है। अब वो यंग हुडनेस से जो है वो ओल्ड एज की तरफ जा रहा है ऐसा ऐसा। तो इसमें फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अडल्टहुड स्टेज की, इसको कुछ थेररिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको 3 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज को वो कहते हैं जी अर्ली अडल्टहुड, सेकेंड को वो कहते हैं मिडल अडल्टहुड, और थर्ड को वो कहते हैं जी लेट अडल्टहुड। अब जो अर्ली अडल्टहुड है उसकी जो टाइम है उसमें वो कहते हैं कि जी इस टाइम पे इंसान जो है वो मेच्योर हो जाता है, अब वो उसकी जो फिज़िकल ग्रोथ है कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट मैन लुक आ जाती है, कंप्लीट वेमेन लुक आ जाती है। तो अब वो जो दोनों लुक्स हैं ये अब उनको कंप्लीटली दे आर यंग, और अब वो अपनी फैमिली का फैसला करते हैं, अपनी करियर के अंदर भी वो एडजस्ट हो गए होते हैं या चूज़ कर रहे होते हैं, और टाइप ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो भी उनको पास मौजूद होते हैं, जिनके साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं, कुछ उनके स्ट्रीट फ्रेंड्स हैं, कुछ उनके ऑफिस के कोलीग्स हैं। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं अब वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंटली के साथ उनकी फैमिली भी शामिल होती है, लेकिन ये ऐसा टाइम है जो इस स्टेज में जो अडल्ट हैं वो इस काबिल हो गए हैं कि अब वो अपनी ज़िंदगी के तमाम फैसले इंडिपेंडेंटली करेंगे। तो इस टाइम पे जो उनकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये है कि अब उनकी फ़िज़िकल चेंजेस नहीं हो रहे होते, फ़िज़िकल जो उनकी पहले ग्रोथ हो रही थी अब वो डिक्लाइन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ गई है। अब वो वाली अभी तो अभी भी बड़े एक्टिव हैं वो, लेकिन टीनेजर की तरह जो है जैसे भाग के इधर पहुंच के उधर पहुंच के, वो वाली अभी एक्टिवनेस उनमें नहीं है। और अपेरेंटली जैसे मैंने बताया है कि अपेरेंटली जो है वो कंप्लीट मैन और वुमेन लुक में जो है वो आ गए हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चॉइसेस हैं उनकी रेजिडेंस है, घर बनाना है, और उसके बाद अपनी फैमिली को किस तरह से अच्छे तरीके से उन्होंने रखना है, फैसिलिटेट कैसे करना है, ये सारे डिसीजंस वो खुद करने के काबिल हो चुके हैं। उसके बाद जो मिडिल अडल्टहुड है इसको उन्होंने कहा जी ग्रेजुअल डिक्लाइन आ जाता है, अब जब ये सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली कर लिए हैं एक अडल्ट ने, तो अब उसकी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ और फिज़िकल हेल्थ और स्टेमिना है अब ये डिक्लाइन हो रहा है। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर। कोई जो है वो आप अगर 25 साल या 30 साल के बंदे को देखेंगे तो 5 लोग अगर इकट्ठे करें 30 ईयर्स के, तो आपको उन सबकी फ़िज़िकल अपेरेंस जो है वो मुख्तलिफ नज़र आएगी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम होंगी, लेकिन स्पेसिफिकली जैसे स्टेमिना की बात हम कर रहे हैं तो अगर वो ओवरवेट है तो उसके स्टेमिना कम होगा, इसी तरह से अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी उसकी मेंटेन्ड है तो उसकी अपेरेंस भी कुछ और होगी और उसी तरह से उसका स्टेमिना होगा। तो जितना आप अपने आप को भागता दौड़ता रखते हैं, फिज़िकल एग्जर्शन में रखते हैं, उतना ही आपका स्टेमिना ज़्यादा होता है। तो ये भी डिपेंड करता है, आपकी न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है, उसके बाद आपके लाइफस्टाइल पे बड़ा डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को फिट किस तरह से रखा है। तो बाज़ुकात मिडल अडल्टहुड वाले जो हैं ये अर्ली अडल्टहुड की तरह नज़र आते हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा एक्टिव है। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, अपने फूड के बारे में हम कॉन्शियस रहें, अच्छा हेल्दी फूड खाने की आदत डालें, जो सबसे ज़्यादा फिज़िकली इंसानों को ख़राब किया है वो हमारे लाइफस्टाइल ने किया है। जो रात को 12 बजे आप खाना शुरू करते हैं, आपने देखा है जितने भी फास्ट फूड हैं और ये सब, इन्होंने डील्स लगाई होती हैं रात 12 बजे के बाद, तो उन्होंने अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन जो है वो जागने के लिए और काम करने के लिए बनाया था। जब आप रिवर्स गियर में ज़िंदगी गुजारेंगे तो उससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हेल्थ किस तरह ख़राब हो रही है, ये जो रातों को हम खाने के आदी हो गए हैं, हमारा डाइजेशन जो है वो सिस्टम सारा ख़राब हो गया है, हमें अक्सर जो है वो स्टमक का प्रॉब्लम रहता है, हमें फूड डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई है, वो जो फास्ट फूड खाने की वजह से ओवरवेट हो गए हैं, जिससे शुगर और जिससे जो डिजीज़ेस हो रही हैं उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर बड़ा कॉमन है। शुगर जिसको हम बड़ा ही हल्का लेते हैं, लेकिन शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आपकी नस्लों को बल्कि आपकी हेल्थ को स्लोली इतनी पॉइजनस है कि ऐसा ऐसा जो ये आपके पूरे ऑर्गन्स को खा जाती है। तो अब ये कहने का मकसद ये है कि
यहाँ पे जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं, फिज़िकल स्टेमिना है, ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल और आपकी न्यूट्रिशन और आपकी फूड पैटर्न्स क्या हैं, ईटिंग पैटर्न्स क्या हैं, और आपकी क्या टाइमिंग्स हैं फूड को खाने की। उसके बाद फूड को, अंग्रेज़ों को आप देखें, वो खाते हैं लेकिन उसको बर्न भी करते हैं। तो क्या आपने कोई ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी रखी है कि आप खाएं और उसके बाद उसको बर्न करें? नहीं करेंगे तो फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ इस दौर में चूँकि डिक्लाइन शुरू हो गया है, तो अब आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। पहले जब आप अर्ली उसमें एडल्टहुड में थे तो तब आपकी भाग दौड़ ज़्यादा होती थी जिससे खाना डाइजेस्ट हो जाता था। अब अगर आपने सिर्फ बैठना ही है और आपका कंप्यूटर का काम है, ऑफिस ऐसा है जिसमें आपने कोई 12 घंटे बैठना है और सिर्फ खाना है, चाय पीनी है और बैठना है, तो सोचिए कि आपकी बॉडी जो है उसका स्टेमिना किस तरफ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस एडल्टहुड में डिस्कस करने के लिए कि हमें जो है वो अपनी एज को मेंटेन करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि अब आप अपनी एज को देखें, अगर आपका बेटर लाइफस्टाइल होगा तो आप अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो प्रिजर्व भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं और हेल्दी भी रख सकते हैं।